भाई ये मैं हूं ऊपर। सो एवरीवन, हम निकल चुके हैं भाई मनाली से, मतलब घर के लिए, चंडीगढ़ के लिए। भाई स्नोफॉल तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश जरूर हो रखी है, और स्नोफॉल का पता नहीं होगी या नहीं होगी, कह नहीं सकते। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, और ऊपर भाई जो चोटी आ रही है ना, वहाँ पे फोग है, मतलब आज इस टाइम में काफ़ी। और भाई उसका मतलब क्या परसेंटेज दिखा रखा हमने, वेदर चेक किया था तो 30-40% है। उम्मीद तो है नहीं कि 30-40% में हो जाएगा, बाकी अब तो निकल ही रहे हैं। और ये देखो भाई, ये साइड में ब्यास रिवर है, और ये रोड पता है पहले जो वो ट्रेजडी हुई थी, मतलब ये बाढ़ वगैरह आई थी ना, अभी यहाँ टूटी हुई रोड थी, टूट गई थी। ये देखो सभी जो बैरिकेडिंग है साइड की, वो सभी टूटी हुई है। और भाई लेकिन नज़ारा बहुत शानदार है, और ये बराबर है ब्यास रिवर भाई, बड़े बड़े पत्थर इसमें पड़े हुए हैं, और सामने की जो ऊपर चोटियाँ दिख रही हैं ना, उन पर बर्फ़ दिख रही है थोड़ी थोड़ी, स्नो कैप्ड चोटियाँ हैं वो। और भाई ये देखो नज़ारा, रोड तो भाई एकदम शानदार रोड है, मतलब चंडीगढ़ से आप मनाली आ जाओगे और मनाली से चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन आपको भाई पता नहीं चलने का कि आप हिल्स में चल रहे हो या भाई साहब मेन रोड, मतलब प्लेन रोड पर चल रहे हो, प्लेन एरिया में। और ये भाई सबसे बढ़िया जगह मुझे यही लग रही है, बराबर बराबर में भाई ब्यास रिवर है, ये नदी बह रही है, और इसके बराबर में रोड भाई हम चल रहे हैं मस्त एकदम। और ये देखो भाई पैराग्लाइडिंग, ये भाई हो कैसे रही है, उल्टी सीधी ऊपर नीचे। ये जगह है भाई कुल्लू, मनाली से हम निकल चुके हैं, मनाली से आगे आके जो कुल्लू पड़ता है, कुल्लू भुंतर वगैरह उसके आसपास की जगह है ये, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होने लगी है अब। और भाई टनल्स का तो भाई क्या ही बोलें, इतनी टनल्स पड़ती हैं भाई रास्ते में, 17 या 18 टनल होंगी मुझे लग रहा है चंडीगढ़ से मनाली के बीच में। और एक टनल देखो, ये ऊपर रास्ता दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये नई टनल बन रही है यहाँ पर। और भाई ये थोड़ा मतलब ख़तरनाक रास्ता आने वाला है अभी, थोड़ा हाइट पर मतलब चल रहे हैं हम, नीचे काफ़ी गहरी खाई है भाई, और मतलब इतना बड़ा कोई इतना टफ रास्ता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है ये। ये देखो भाई सबसे ज़्यादा हाइट वाला रास्ता, सिंगल रोड है, नीचे बहुत गहरी खाई है, और बराबर में ये भाई रिवर अपनी चल रही है भाई, बढ़िया रास्ता, लेकिन भाई रास्ता बहुत अच्छा है यहाँ का। ये देखो भाई सामने का नज़ारा शानदार भाई, एकदम शाम का टाइम हो रखा है, सनसेट है भाई, थोड़े थोड़े बादल हैं, और वीडियो पोस्ट करने नज़ारा तो एकदम बढ़िया भाई। ये एक टनल ये आ गई है, लाइटिंग वगैरह सब बढ़िया है, सबसे भाई सबसे ज़्यादा टनल पड़ती हैं, 17-18 टनल इसमें मुझे लग रहा है पड़ती हैं, हमने काउंट की थी, लेकिन एक बार और करो काट, माइंड से भाई स्लिक हो रहा है। लेकिन भाई शाम के टाइम का नज़ारे का कोई तोड़ नहीं है, एक नंबर का नज़ारा है भाई, एकदम शानदार। अभी देखो ट्रक से आगे चल के दिखाता हूँ आपको, सामने पहाड़ी आ रही है, उसके पीछे सनसेट हो रहा है, और भाई और क्या बोलते हैं, ये हल्की हल्की घटा बादल एकदम बढ़िया लग रहे हैं भाई साहब, ऐसा नज़ारा नहीं देखा भाई, इतना ज़बरदस्त नज़ारा, मैं बता नहीं सकता कैमरे में ठीक से कैप्चर होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई जो नेचुरल देखोगे, ये देखो नेचुरल व्यू भाई साहब, ब्यूटी एकदम शानदार भाई। गाने चल रहे हैं, गानों का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं हम तो, लेकिन चंडीगढ़ से भाई अगर मनाली का टाइम लगाएं तो 6 घंटे लगते हैं, आप गाड़ी भी तेज़ नहीं चला सकते इतने सारे यहाँ पर, तो वो ओवर स्पीड वाले बोर्ड लगे हुए हैं। ये देखो सामने ये जो आया है भाई, मतलब 60 से ऊपर आप स्पीड नहीं कर सकते, ये सबसे ख़तरनाक रास्ता है यहाँ का, इससे ख़तरनाक रास्ता नहीं कुछ भी, सबसे हाइट का रास्ता पड़ता है।